complications of ear infection. कान का ये मिडिल पार्ट में जो है, जब इधर इन्फेक्शन आया तो उसे ऑटिटिस मीडिया बनाएंगे. उसका टाइम ड्यूरेशन कम है तो वो एक्यूट ऑटिटिस मीडिया भी, 3 महीने से ज्यादा है तो उसे क्रॉनिक ऑटिटिस मीडिया. तो इन्फेक्शन यहां से कहां होने तो भी स्प्रेड करके जाना, वो ज्यादा भी एक्यूट ऑटिटिस मीडिया में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहता है. तो यहां से कहां होने तो भी स्प्रेड हो जाना. तो मैं मन जो है राइट कान का अंदर मिडिल ईयर में खड़ा हूं, याद करो. तो राइट साइड का अंदर में खड़ा हूं, मेरा राइट साइड में कान का पर्दा है, लेफ्ट साइड में अंदर का कान है, सामने एक ट्यूब को सका जाता है नाक का पीछे, पीछे आपको एक छोटा रूम को सका है, वहां आपको हवा ए, उसे मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स बोलेंगे. ऊपर रूफ में ऊपर आपको एक बोन कवरिंग है, उसके ऊपर ब्रेन भी. अंदर का बोला गया, अंदर का ये साइड में अंदर का कान है, उसका अंदर गए तो ब्रेन है, उसका अंदर भी ब्रेन है, ऐसा अंदर गया. तो सब साइड में भी राइट साइड छोड़ को सब साइड भी बोन रखो, कवर करको ऐसा. उसका बाद ये स्ट्रक्चर्स आता है, उसके स्ट्रक्चर्स. तो यहां से इन्फेक्शन स्प्रेड होकर जाना कर तो ये बोन का रास्ता इन्फेक्शन स्प्रेड होकर जा सकता. वैसा अच्छे नजदीक में छोटा छोटा वेन्स होगा, वो वेन का रास्ता भी स्प्रेड होगा. नहीं तो क्या कभी एक्सीडेंट हुआ तो वहां के छोटा एक तुटको है, तो वो तुटको है जो रास्ता से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. वो एक्सीडेंट से हो सकता, नहीं तो ऑपरेशन करके हमें वो क्या कभी एक रास्ता से का बनाया तो उसको उसमें से भी आना. तो ये रास्ता से जो भी मिडिल ईयर से नजदीक है जगह से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा. ये इन्फेक्शन किसे किसे आंगा पूछो तो बच्चों में आने चांसेस ज्यादा है. वैसा बॉडी अंदर है सो इम्यूनिटी पावर कम है तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने ज्यादा. इम्यूनिटी पावर कम है सो कॉमन कंडीशन है शुगर है सो बीमारी डायबिटीज. वैसे आ तो सो बैक्टीरिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत विरलेंट है तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, कंट्रोल में करना. एंटीबायोटिक देते भी, एंटीबायोटिक भी ट्रीटमेंट देते भी, वो ट्रीटमेंट में खड़ने का चांसेस कम. अब ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता सो देखिए, उसका पहले तो मैं ये स्कल देखे तो ये आपको कान, ये कान कौन सा बोन में है पूछो तो ये बोन में है सो, ये लाइन से का दिखता है वो बोन में सो. वो बोन का नाम टेम्परल बोन. तो टेम्परल बोन का अंदर इच कान का सब पार्ट भी है सो. तो इधर इन्फेक्शन आया तो उसे टेम्परल बोन इन्फेक्शन बोलेंगे. ओच में उधर लिखा हूँ सो बोन, टीवी में बताया हूँ सो. यहाँ से टेम्परल बोन से स्प्रेड करके अंदर भी जा सकता, बाहर भी आ सकता. अंदर का पार्ट आपको ब्रेन है सो. ब्रेन में आया तो क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, इंट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन. बाहर ये बोन से बाहर आ तो उसे एक्स्ट्रा क्रेनियल एक्स्ट्रा टेम्परल कॉम्प्लिकेशन. वो सूरत में भी हो सकता, गले में भी हो सकता. वो चीज में लिखा हूँ सो, एक टेम्परल बोन में इन्फेक्शन, नहीं तो बाहर टेम्परल बोन का बाहर, वो बाहर काम कर तो ब्रेन में, नहीं तो ब्रेन का बाहर. वो चीज में लिखा हूँ सो. अब हमें ये इन्फेक्शन में उसका ये वीडियो में खाली इन्फेक्शन का नाम आज मैं बोलूंगा, डिटेल में बताना है. अब पहले बोले से का मैं राइट साइड का कान में मिडिल पार्ट में खड़ जाऊं, तो मिडिल पार्ट का अंदर क्या चीजा है. मिडिल पार्ट का अंदर 3 छोटा बोन्स है, वो 3 छोटा बोन्स में इन्फेक्शन क्या करेगा, वो बोन को खा लेगा, तब कान सुनते सो सुनाई देते सो कम हो जाएगा. इसका नजीक फेस में जब से एक नर्व है फेशियल नर्व, उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है तो क्या होगा, तो वो साइड का फेस काम करना है. तो अंदर है सो स्ट्रक्चर का देख लिए. अब इन्फेक्शन यहां से पीछे जाता, पीछे एयर सेल सिस्टम है सो. तो ऐसा हमें देखना है, दैट्स ये मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ये मिडिल ईयर का पार्ट, उसका पीछे ऐसा रहेगा. तो यहां से इन्फेक्शन स्प्रेड होको, स्प्रेड होको इधर आगा तो यहां सब पीप जम जाएगा. जमगा तो क्या होगा, तो
बच्चे का पिच यहां सूजन हो जाना, कान ऐसा सामने हो जाना, इसे बोलता है मास्टर्डाइटिस, एक्यूट मास्टर्डाइटिस। तो पिच्चे का कॉम्प्लिकेशन होगा। अब वो अंदर का कॉम्प्लिकेशन, अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन सा, एक इनर ईयर, अभी एक पीटर्स पार्ट। इनर ईयर में स्प्रेड हुआ तो इनर ईयर का दो फंक्शन, दो काम क्या करता है, एक अच्छा सुनना सो, अभी एक बैलेंसिंग में हेल्प करना सो। तो इनर ईयर इन्फेक्शन में उसे लेबरिंथ बोल लियो पार्ट को, सो इन्फेक्शन आया तो लेबरिंथ दैट इज बोलते। तो लेबरिंथ दैट इज आया तो कान का सुन तो सब फंक्शन चल जाएगा, भूत सर चकराना, सुन तो सब फंक्शन जाओ कंप्लीट डेड ईयर को बदलने भी चांस है, सर चकराना भूत महीने से रहने भी चांस है, ट्रीटमेंट करेक्ट होगा मिलिया नहीं तो। तो लेबरिंथ दैट इज होगा। अब उसका नजदीक सामने पीटर्स पार्ट है, अंदरिच वो यहां है सर, ये पार्ट इसे पीटर्स पार्ट को बुलाएंगे। यहां आपको छोटा एक नर्व आगा, वो नर्व यहां आपको सीधा हंकी को जाता सो। तो यहां इन्फेक्शन कान से इन्फेक्शन यहां ये बोन को स्प्रेड हुआ सो उसे पीट्रोसाइटिस को बुलाते। पीट्रोसाइटिस आगा तो पेशेंट का कंप्लेंट होगा हंकी के पीछे दर्द उठता, साथ में किसे देख रही दो दो जने खड़े से का मालूम होता, कौन सा तीस जगह दो दो होता, साथ में कान में पीप भी आता, ये है। तो कान का इन्फेक्शन पीटर्स बोन को इन्वॉल्व कर रहा था, पीट्रोसाइटिस होगा का मतलब। तो राइट साइड का इन्फेक्शन का स्प्रेड बोन को होगा, पिच्चे का बोन को होगा। अब इसका बाद और भी अंदर स्प्रेड होता सॉरी तब ब्रेन में स्प्रेड होता, तब क्या होगा, ये कान का पार्ट ये ऐसा बता नहीं सो, ब्रेन का पार्ट, ब्रेन आपको थिक कवरिंग एक प्लास्टिक इसका थिक होकर कवर कर करके उसका नाम ड्यूरा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। वो ड्यूरा का बाहर इन्फेक्शन पस आया तो एब्सेस आया तो एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस उसका नाम, यहां से स्प्रेड होकर जस्ट अंदर गया तो उसका नाम सब ड्यूरल एब्सेस, वहां से स्प्रेड होकर ब्रेन के अंदर गया तो उसका नाम ब्रेन एब्सेस, ये कवरिंग में इन्फेक्शन आया तो उसका नाम मेनिनजाइटिस। तो क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस हमें देखो। अभी ये कान से स्प्रेड होकर बाहर आता, फेस में आ सकता, गले में आ सकता। फेस में वो बोलने को पहले और एक बात सब बोलना है, ब्रेन से आता सो एक वेन है, कान के पीछे से जाता सो गले में होकर हार्ट को जाता, तो वहां इन्फेक्शन वेन पर तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बन गया, वो वेन का नाम सिग्मोइड साइनस। तो वहां इन्फेक्शन आया तो उसे सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते। उसके बाद हमें सूरत मातसो एब्सिस के ऊपर से देखी जाए, यहां एब्सिस पस जमिया तो उसे जाइगोमैटिक एब्सिस बोलेंगे। वही साथ जो है ये दिखता सो ये जब ये पार्ट मैस्ट्रॉइड बोलेंगे तो इसमें भी दिखेंगे ये पार्ट, इसे मैस्ट्रॉइड बोलेंगे। ये कान का है, ये मैस्ट्रॉइड, ये मैस्ट्रॉइड का बोन टूट को यहां से पस यहां एक मसल रहेगा, ये मसल इच्छित ये मसल, तो ये टूट को ये बोन टूट को मसल का अंदर का तरफ से पस उतरे तो उसे बिजोल्स एब्सिस बोलेंगे। वो नहीं से वो सीधा ये तरफ इधर इन्फेक्शन हुआ तो उसे सिटिलीज एब्सिस बोलेंगे। ये कॉम्प्लिकेशन एक रकम एक 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 कॉम्प्लिकेशन ऊपर से बोलना है। अब कैसा प्रसन्न करेंगे पेशेंट, पहले चेक कंप्लेन है क्या, कान में इन्फेक्शन है, कान से पीप आलोक है, कान में दर्द है। अब उनका सर दर्द बढ़ेगा, वो जाते भूत टायर्ड हो जाएंगे, बुखार भी हल्लको रहेगा, बार बार बुखार हल्लको रहेगा, देखते सो क्लियर हो दिसंगा नहीं, हंकी के पीछे जर्रा दर्द सिका रहेगा। वो जाते खैया शुरू हो जाएंगे, खैया का तो खैया का पैसे खई आए सिका रहेंगे फिर खई करेंगे, वैसा नहीं सीधा खई कर डालेंगे, आए सिका रहेंगे सीधा खई कर डालेंगे, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलेंगे वैसा रहेगा।
उसका साथ में सर चक्रातुसु भी बढ़लो को जाना। ये टाइम में बरो ट्रीट करनी करतो और ट्रीटमेंट कंट्रोल में आया नहीं, बढ़लो को जाता होता हो क्या होगा, पेशेंट का ओरिएंटेशन उसे आपको कहाँ ही कैसे ही किधर ही क्या भी समझ में नहीं आएगा, एक रकम से रहेगा कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, सिर दर्द और भी बढ़ जाएगा, फिर फिट्स जिन्नी आने का चांस है, फिट्स आ जाएगा, वैसा बढ़ बढ़ को लास्ट में कोमा को जाने का भी चांस है। ये कान से इन्फेक्शन स्प्रेड हो को एक एक जगह गए तो क्या क्या इन्फेक्शन आता सो बोल को ऐसा वीडियो, एक एक कॉम्प्लिकेशन भी अलग अलग होगा वीडियो ठाकर उसका ट्री उसका कैसा आता सो वो कैसा प्रसन्न होता सो उसका क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना टेस्ट करना कैसा ट्रीटमेंट ना वो बीमारी का नाम डाल को देखे तो मैं अलग वीडियो बनाया हूँ वो देखो तो न वो बीमारी के बच्चे तुम्हें समझ आ जाएगा। आदाब।